ज विका वेलकम टू स्टी गिट्स पे है इलेक्ट्रोक्यूशन <coughs> इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है बिजली के uh, शॉक से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन तो एक डेटा सामने आया जो बोलता है कि जो एलिफेंट्स की डेथ्स हो रही हैं तमिलनाडु में इलेक्ट्रोक्यूशन उसका एक मेजर रीजन है इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से ज्यादा डेथ होती हैं सी वाई आई है See, topic, आज डिस्कशन के लिए क्योंकि हमने देखा कोई भी एनिमल अगर न्यूज में रहता है तो उसके बारे में फिल्म में सवाल पूछा जाता है राइट right? तो एक बार किल्हे पे सवाल आया था एलिफेंट्स पे सवाल आया था क्योंकि उस टाइम एलिफेंट्स जो है वो क्रैकर्स खा के या की उनकी डेथ हो गई तो अभी ये चीज न्यूज में रही है तो इसको हम कवर करते हैं क्योंकि एलिफेंट्स हमेशा यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक भी रहे हैं एनिमल भी रहे हैं जिसपे वो सवाल पूछते हैं बाकी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया बिकॉज आई फील टूगर वी कैन मेक अफ

ये टॉपिक आपका कवर होता है जिसमें आप एलिफेंट का एग्जाम्पल दे सकते हो एलिफेंट पे पूछा जाए तो इस चीज को मैंशन कर सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ पे नतीजा ये निकलता है कि मैन और एलिफेंट का को एग्जिस्ट करना को एग्जिस्ट करना मतलब साथ में रहना बहुत मुश्किल है और अगर एलिफेंट्स जहां पे इंसानों की बस्ती है वहां पे एंटर करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो मर जाएंगे ठीक है क्योंकि इंसानों को कोई क्योंकि उनके क्रॉप्स बर्बाद करते हैं तो लोग क्या करते हैं वो तो मारने के लिए दौड़ते हैं राइट right. सो so, यहां पे ये डेटा बोलता है कि तमिलनाडु में ये ज्यादा चांसेस हैं कि एक एलिफेंट इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाए राधर देन ओल्ड एज वरना यूजली एनिमल्स ओल्ड एज की वजह से मरते हैं ठीक है स्टारवेशन की वजह से मरते हैं तो इन दोनों को मिला भी लो तो उसके चांसेस इलेक्ट्रिक शॉक से मरने के ज्यादा हैं तो ये डेटा पब्लिक किया गया बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम इट्स एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तो एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क हुआ वहां से डेटा बाहर निकाल गया इस डेटा के बारे में हम बात करेंगे तो ये द हिंदू में ही ये न्यूज की अगर आप देखेंगे डेटा में काफी ज्यादा नंबर्स भी थे उन नंबर्स को भी हम डिस्कस करते हैं अभी स्टैटिस्टिक्स बताता है कि हर दस में से एक एलिफेंट जो है उसका अनचुरल कॉजेज की वजह से डेथ होता है जो नेचुरल कॉजेज नहीं है ओल्ड एज इज नेचुरल कॉज तो अन्यचुरल कॉजेज की वजह से उसका डेथ होता है जिसमें सबसे बड़ा रीजन इलेक्ट्रिक शॉक है इलेक्ट्रोक्यूशन है 2010 के बाद 128 एनिमल्स की डेथ हुई है मतलब 2010 के बाद की बात आप देखो 128 जानवर जो हैं इलेक्ट्रोक्यूशन से मरे हैं और 76 जो है 128 को कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ हुआ और इसमें से 76 जो है वो इंटेंशनल थे इंटेंशनल समझते हो कि जान के इन पैकीडर्म्स को मारा गया अब ये टर्म भी आप यहाँ पे देख रहे हो पैकीडर्म्स पैकिडर्म्स किन को बोलते हैं जिनकी एक तो हो गया ना कि वो खेतों में बिजली की तारें लगी थी उस से उनकी डेथ हो गई बट इलेक्ट्रिक शॉक देखिए जानवर को मारा गया तो सेवेंटी सिक्स इस तरह की डेथ है नेगेटिव इनको हम बोलते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में नेगेटिव इंटरेक्शंस ह्यूमन कम्युनिटीज के साथ और बाकी की अननेचुरल नेचुरल कॉजेज हैं इलेक्ट्रोक्यूशन के सिवाय वॉचिंग हो रही है जहर देकर मार दिया गन से मार दिया ट्रेन रोड एक्सीडेंट्स हो गए एलिफेंट्स के सो so ये स्टडी हमको दिखाती है देयर सम मोर डेटा पंद्रह 1505 पाँच एलिफेंट डेथ्स जो हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है 2010 के बाद 159 जो है उसमें या तो 159 डेथ्स मतलब ऑलमोस्ट 10.5% जितने भी डेथ्स हैं वो ह्यूमंस की वजह से हुई है कि एलिफेंट्स की डेथ उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी वो इन्वॉल्व है सो प्राइमरी थ्रेट अगर हम एशियन एलिफेंट की बात करें वो यूजुअली क्या होती है कि बीमारी से एशियन एलिफेंट्स मरते हैं उनको बीमारी कोई ना कोई ओल्ड एज की वजह से बीमारी हो जाती है विद एट हंड्रेड टू डेथ बाई इलेक्ट्रोक्यूशन तो बीमारी के बाद नंबर टू रीजन यहाँ पे सामने निकल के आता है इलेक्ट्रिक शॉक और इसके सिवाय कंट्रास्ट में कंपेयर करके बात करेंगे सिर्फ सत्ताईस डेथ्स ऐसी थी यानी टोटल मोर्टलिटीज से जो ओल्ड एज की वजह से हुई तो यानी सिर्फ एक डेढ़ परसेंट हाथी ओल्ड एज की वजह से मरे बाकी सब जो है आप देख सकते हैं किस वजह से हो रही है या तो ह्यूमंस आर वन ऑफ द टेन परसेंट या फिर डिजीजेस की वजह से जो मेजरली स्टारवेशन होता है अब सीनियर ऑफिशल ने इसको इंटरप्रेट uh, करने की भी कोशिश की है अलग अलग तरीके से कि हो सकता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोक्यूशन से ओल्ड एज में हाथी नहीं पहुंच पा रहा तो वो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोक्यूशन से मरेगा हो सकता है कोई बीमारी हो रही हो स्टारवेशन हो दैट इज ट्रू बट हमको यहाँ पे कंसर्न होना चाहिए मैन एनिमल कंफ्लिक्ट इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज एलिफेंट्स की ऐसी थी अराउंड एट जो पोस्टमार्टम के लिए भी फिट नहीं थी यानी हम उनका रीजन कभी पता ही नहीं लगा पाए कि वो डेथ किस वजह से हुई है सो यस इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न क्योंकि इलेक्ट्रोक्यूशन जो है वो लीडिंग कॉज है एलिफेंट्स में डेथ का एशियन एलिफेंट्स माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एशियन एलिफेंट्स हियर एंड अगेन एक uh, चीज सामने आती है सपोज मेन्स में आपको सवाल लिया आ जाए द को एक्सिस्टेंस बिटवीन ह्यूम एंड एलिफेंट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन बन सकता है ना तो आप वहां पे इस तरह का डेटा यूज कर सकते हो डेट क्या चीज इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगी क्योंकि अगर कोई एलिफेंट अपनी हैबिटेशन छोड़ के अपना प्रोटेक्टेड एरिया छोड़ के ह्यूमन हैबिटेशन में एंटर कर रहा है तो देर इज हाई रिस्क कि उसकी जान चली जाए बारे में पता होने कोई भी जानवर ना शीशे में देखो खुद को पहचान नहीं पाता बहुत कम जानवरों में एबिलिटी होती है so, those, जो में देख के दे केन रिकोगनाइज देम सेल्वस और uh, जब एलिफेंट्स जैसे ग्रुप में चलते हैं उनकी किसी फैमिली मेम्बर की डेथ होती है तो उनको दुख होता है उनमें आपको साइंस ऑफ ग्रीफ नजर आएंगे जो बाकी एनिमल्स में नहीं होते वो अपने जो हाथी जो मर गए उनकी जहाँ पे बोन्स थी वहाँ पे उनको रिविजिट करते हैं अपनी ट्रंक्स के साथ जो उनकी सूट है उससे टच करते हैं फिर आप अगर हाथी को देखेंगे वो कीचड़ में मट बाथ लेते हैं सन से खुद को बचाने के लिए और अपनी स्किन पे जो कीड़े अचड़ जाते हैं बग्स या टिक्स उनको रिमूव करने के लिए और अफ्रीकन एलिफेंट्स थ्री हंड्रेड पाउंड फूड एक दिन में

लीडर जो एलिफेंट ग्रुप की होती है तो देखो ये भी ध्यान रखना होता है पेपर में कि यहां पे करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा वन एंड टू स्टेटमेंट आर करेक्ट आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप अगर इस क्वेश्चन को करते तो कैसे करते कहाँ आपने इसके बारे में पढ़ा सो तो इस तरह की न्यूज क्योंकि अब हमको ट्वेंटी में ये न्यूज थी पेपर में तो ये सवाल प्रस में आया प्रेगनेंट वाइल्ड एलिफेंट डाइज इन केरला आफ्टर क्रैकर फिल्ड पाइनएपल एक्सप्लोर हर माउथ तो कभी भी किसी जानवर पर यू, यूपीएससी में सवाल आता है तो हमको कई बार समझ नहीं आता कि कहाँ से आया है तो यूजली इट इज फ्रॉम न्यूज पेपर कुछ ना कुछ न्यूज पेपर में रही हो तो ये पेपर में था तो आप देखें ये सवाल जो है आ गया तो सम मोर हाईलाइट अबाउट एलिफेंट बारह अगस्त को एलिफेंट डे होता है एलिफेंट नेचुरल हेरिटेज एनिमल हैं इंडिया के और इनको की स्टोन स्पीशीज़ बोला जाता है सो so इन्वायरमेंट में मैं बहुत स्टैटिक में पढ़ाती हूँ वॉट आर फ्लैगशिप स्पीशीज वर वॉट आर की स्टोन स्पीशीज़ मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि अगर आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ की स्टोन स्पीशीज़ क्या होते हैं और वैसे भी एलिफेंट्स जाने जाते हैं एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस की बहुत इंटेलिजेंस है इंटेलिजेंट है लार्जेस्ट ब्रेन साइज किसी भी लैंड एनिमल का है तो वो एलिफेंट्स का है और इम्पॉर्टेंट ग्रेजर्स हैं बहुत वेजिटेशन को ये खाते हैं ग्रासेस पे खाते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और फॉरेस्ट में क्लियर करते हैं काफ़ी एरियाज को क्लियर करते जाते हैं दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट वाई दे आर नोन एज की स्टोन स्पीशीज बट आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू वॉट आर की स्टोन स्पीशीज ओके तो ये दो रीजनस हैं अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा की स्टोन स्पीशीज का रीजन भी आपको समझ में आएगा कि वाई दे आर नोन एज स्टोन स्पीशीज ओके सो आई थिंक दैट इज इट हाँ ये चीज भी है जो थोड़ा सा आपको फैक्ट्स मालूम होने चाहिए आई यू सी एन रेड लिस्ट में थ्रेटन स्पीशीज में अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड अफ्रीकन सेवन ऑफ एलिफेंट एंडेंजर्ड और हमारा जो एशियन एलिफेंट है दिस इज एंडेंजर्ड लिस्ट में और सी एम एस यानि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज पे अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट अपेंडिक्स टू में और एशियन एलिफेंट अपेंडिक्स वन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्केड्यूल वन में प्रोटेक्टेड है और जो साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा इसमें अपेंडिक्स टू में अफ्रीकन सेवना एलिफेंट और एशियन एलिफेंट अपेंडिक्स वन में तो आई थिंक दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको आना चाहिए एंड दिस फ्रॉम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यू के लिए ये आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं ओके okay? ओके थैंक यू सो मच बट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए व्हाट आर कीस्टोन स्पीशीज एंड व्हाई एलिफेंट इज नोन एज कीस्टोन स्पीशीज ऐसा क्या करता है एलिफेंट किस को की स्पीशीज कहा जाता है थैंक यू सो मच